अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना व्लॉग जो बना रही हूँ, ये मेरी समर की सारी शॉपिंग है वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। कुछ हमने अपनी कज़न की शादी के लिए ड्रेसेस लिए हैं और कुछ कैजुअल शर्ट्स हैं, वो मैं सब आज आपसे शेयर करूँगी। आई होप सो आपको बहुत पसंद आएगा। स्पेशली गर्ल्स को बहुत ही इंटरेस्ट होता है कपड़ों में, और होप सो आप सब इंजॉय करेंगे मेरा ब्लॉग। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ ताकि आपको डिज़ाइनिंग का भी पता चले और कलरिंग का भी। ये कैजुअल अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है ये मियों के लिए, और इसके भी बाजुओं पे काम हुआ हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बाजू हैं इसके, आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। एक स्टाइल सा बना हुआ है, पहना हुआ और भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, जैसे कोई शॉल सी रखी हो बाजुओं पर। इस पे भी सारी एम्ब्रॉयडरी है। इसका पैर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये तो फिर सारे कुर्ते और फ्रॉक्स वगैरह जीन्स के साथ ही चलती हैं, तो इसलिए इसकी प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। इसके साथ कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली इसके साथ येलो कलर का दुपट्टा होगा और जीन्स सिंपल। बहुत ही खूबसूरत लगी है मुझे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही शर्ट मुझे लगी है। ये भी एक शर्ट है, खाड़ी की है ये, और फ्रॉक है। ऊपर से तो फ्रॉक ही लग रही है, लेकिन इसके हल्के हल्के से चौक बने हुए हैं, बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे थे। कि ये जीन्स के नीचे ही पहनी जाएगी ये भी, और इसके गले पे भी हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है और बाजुओं पे भी। बहुत ही अच्छी लग रही थी ये भी, मुझे बड़ी पसंद आई। ये एक शर्ट है, बहुत ही खूबसूरत, और समर में तो ये कलर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। सबको मेरी ये वाली शर्ट पसंद आई है और सबने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की है। आई डोंट नो, आप भी ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। इसका गले का स्टाइल भी बहुत खूबसूरत है, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, आप लोग अगर बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। इसके साथ ब्लैक कलर की कैप्टी है और ब्लैक ही दुपट्टा है इसके साथ। ये एक मेरी आपी की शर्ट है और इसके साथ भी ब्लैक कलर की कैप्टी है, इसका भी काम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये भी खाड़ी की है और इसके ऊपर सारा एम्ब्रॉयडरी और हैंड वर्क है। इसकी कैपी भी काफ़ी अच्छी है। इसके गले का स्टाइल बहुत खूबसूरत लगा था मुझे तो। इसके बाजू ये हैं, ये भी एक पार्टी वेयर ड्रेस है और इसके ऊपर भी सारा स्टारों का काम हुआ हुआ है। ये इसका गला ही बना हुआ है सिंपल, और नीचे से
फ्रॉक टाइप ही है, इसकी कैपरी है, कैपरी नहीं है इसकी, इसके साथ बेल बॉटम है और इसके बेल बॉटम पे भी इसी तरह का काम हुआ हुआ है जैसे गले पे हुआ हुआ है ना, तो उसी तरह से इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये भी और इसके गले का काम भी। ये भी एक पार्टी वेयर ड्रेस है और इसके भी सेम टू सेम वैसे ही गले पे काम है और नीचे से फ्रॉक बनी हुई है, खूबसूरत लग रहा था। इसके भी, इसके साथ भी बेल बॉटम है और साथ ही इसके ब्लैक ही दुपट्टा है इसके साथ भी। ये एक बहुत ही खूबसूरत कलर है, स्किन कलर में ये शर्ट है, हमारा फेवरेट कलर तकरीबन सबको ये स्किन कलर हमारे घर में बहुत ही पसंद है, ब्लैक और स्किन। ये शर्ट इसका भी कलर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी है, ये वेडिंग ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ अपना, और इस पे बहुत ही खूबसूरत काम है, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। इसके भी सारा गले पे काम हुआ हुआ है और नीचे से बिल्कुल सिंपल सा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था मुझे। ये शर्ट है प्योर पे है ये, और ये पार्टी वेयर ड्रेस है, ये एक्चुअली मैंने अपनी कज़न की शादी के लिए लिया है, तो इस वजह से ये मैंने रेशमी स्टफ लिया है। इसके ओनली गले पे काम है क्योंकि ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसका काम। इसके बाजू बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, आप देखें। इसके साथ मैंने स्किन कलर की ही कैपी बनाई है और स्किन ही इसके साथ दुपट्टा होगा। इसके साथ ये एक शरारा है, मैंने सोचा अगर ये इसके साथ अच्छा लगेगा स्किन के साथ, एक्चुअली इसका काम है ना गोल्डन, तो मैंने सोचा अगर ये इसके साथ खूबसूरत लगा तो मैं ये भी पहन लूँगी, इसलिए मैंने ये भी एक साथ लिया है। वैसे ये इसके काम के साथ काफ़ी मैच हो रहा है तो शायद ये भी अच्छा लगे इसके साथ। ये भी एक फैंसी शर्ट है, पार्टी वेयर ड्रेस है ये भी, और इसके भी सारा गले पे काम है और इसके बाजुओं पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसके साथ ब्लैक कलर का पेयर है, ब्लैक ही इसके साथ कैपरी है और इसका दुपट्टा भी ब्लैक ही है। ये एक स्किन कलर की शर्ट है, आगा नूर की है ये शर्ट, और इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी का काम है और काफ़ी खूबसूरत है, ये मेरी आप ही की है। इन शर्ट्स का ये एक
बेनिफिट है कि आप लोग जैसे चाहें इसको फिटिंग लगा सकते हैं, इनकी लेंथ में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कम से कम ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये पूरा नहीं आ रहा और ये तंग है, बिल्कुल भी ये मसला नहीं है इनके साथ बिल्कुल भी। बहुत ही ऐसे स्टिचिंग इनकी बहुत खूबसूरत हुई 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 है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये लाइट सा पिंक कलर में शर्ट है, इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा काम है, एम्ब्रॉयडरी है सारी इस पे भी, लेकिन खूबसूरत काफ़ी लग रही थी तो ये भी मेरी आप ही की है। ये एक शर्ट है, सिल्क की है, ये सिल्क के ऊपर बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है गोटे का। ये शर्ट अनीबा की है, सबसे छोटी मेरी सिस्टर है उसकी। इसके साथ हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो हम कॉपर कलर की कामदार कैपरी हो या शरारा हो, कुछ भी हो, वो छोटी है उसको तो कुछ भी अच्छा लग जाएगा इसके साथ, और इसका काम भी बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे तो। एक ये उसकी शर्ट है, ये भी सिल्क के ऊपर है, लेकिन ये ना सारी ओपन बनी हुई है इस तरह से, इसके साथ नीचे इसकी ये स्लिप है और ये अलग से उन्होंने दिया साथ। इसके साथ भी हम लोग शरारा भी ले सकते हैं, कुछ भी कैप्री हो या बेल बॉटम हो, कुछ भी अच्छा लग जाएगा इसके साथ। इसका भी काम मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये भी एक कैजुअल शर्ट है, इसके इन तमाम शर्ट्स के बाजुओं पे और किसी न किसी एक चीज़ पे काम हुआ हुआ है, या इसके नीचे है काम या इसके गले पे है, इसका नीचे से बना हुआ था काफ़ी प्यारा। ये देखिए, और इसके बाजू बने हुए हैं। फ्रॉक है ये भी,